बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ISPR का एक स्टेटमेंट है और ये जो बयान है ये ट्विटर के ऊपर उनके अपने अकाउंट से अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, क्योंकि लोगों का रद्दअमल आता है। और हमने ये देखा पैटर्न के ISPR जब भी कोई स्टेटमेंट जारी करता है तो पाकिस्तानी शहरियों के गिले शिकवे नीचे शुरू हो जाते हैं और वो लगातार रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक वो ऐसा करते हैं और बहुत ज़्यादा मैसेजेस नीचे आते हैं और ये काफ़ी तकलीफ दे मैसेजेस भी उसमें होते हैं, तो इस वजह से शायद गुरेज किया गया है। अभी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इस वक्त तक तो ISPR ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं किया है, लेकिन जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्तलिफ सहाफ़ियों को वो भिजवाया गया प्रेस नोट और उन्होंने उसको सबसे पहले ट्वीट किया और फिर TV चैनल्स ने उसको अपनी खबरों की जीनत बनाया। खबर क्या है जरा वो सुनिए, फिर उसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस भी दूंगा, सिचुएशन भी आपको बताऊंगा। देखिए, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां करने का टाइम आ गया है। एक दफा फिर इमरान खान साहब को और उनके फॉलोअर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और दोबारा से उनके खिलाफ एक्टिविटीज होंगी पाकिस्तान में और ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है बड़े पैमाने पर भी। ISPR के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बगैर सबूत इंतहाई बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। ISPR का कहना है कि मुतल्लिका सियासी रहनुमाओं से कहते हैं कि वो झूठे इल्जाम लगाना बंद करें और झूठे इल्जाम के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है इसमें इमरान खान साहब का बाकायदा ISPR ने नाम लिया है, अंग्रेजी में जारी हुआ है ये प्रेस नोट, लेकिन इसमें लिखा है कि इमरान खान के मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्जाम काबिले मुजम्मत और नाकाबिले कबूल हैं। बदनीयती भी करार दे दिया और मनगढ़ंत भी करार दे दिया और काबिले मुजम्मत भी हो गए और नाकाबिले कबूल भी करार दे दिया ISPR ने। ISPR ने बताया कि मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्जाम इंतहाई काबिले मुजम्मत और नाकाबिले कबूल हैं। एक साल से वतीरा रहा है कि फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान को टारगेट किया जाता है और सियासी मकासद के लिए सनसनीखेज प्रोपेगेंडा किया जाता है। और ISPR के मुताबिक सियासी मकासद के लिए इश्तियाल अंगेज सनसनीखेज प्रोपेगेंडे से निशाना बनाया जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हैं इनको कानूनी फोरम के ऊपर ले जाया जाए और ये भी कहा कि वो खुद भी कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। अब ये तो हो गया जी ISPR का स्टेटमेंट, ये आपके सामने है, ये अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अब चंद सवाल पैदा हो जाते हैं कि क्या मरियम नवाज ने जब नाम लेकर इसी ओहदे पर बैठे हुए एक फौजी ऑफिसर का तस्करा किया और उनके ऊपर बार बार तनकीद की, बल्कि इससे भी ऊपर वाले रैंक पे वो फौजी जनरल मौजूद थे, तो क्या तब इस तरह का स्टेटमेंट आया? नहीं आया। आसिफ अली जरदारी ने जब फौजी जर्नैलों को मुखातिब करके इदारे के ऊपर बल्कि अटैक किया, खाली जर्नैलों के ऊपर नहीं किया बल्कि एक फौजी जर्नल के बारे में तो उन्होंने बड़े तजहीक और तोहीन आमेज अल्फाज भी इस्तेमाल किए आसिफ अली जरदारी ने, तब भी कोई रद्दअमल नहीं आया। एक दफा तो आसिफ अली जरदारी ईंट से ईंट बजाकर पाकिस्तान से भाग भी गए थे, तब भी कोई ऐसा रद्दअमल नहीं आया। नवाज शरीफ की दफा एक मामूली सा रद्दअमल आया था एक मरतबा, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुए, नवाज शरीफ के बंदों को मारा कुटा नहीं गया, नवाज शरीफ के घर का दरवाजा नहीं तोड़ा गया, पुलिस की जानिब से हुआ लेकिन यह उस वक्त नहीं किया गया था। नवाज शरीफ के लिए हालात उतने तंग और इतने परेशान को नहीं रहे, नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया और मामला रफा दफा हो गया, बल्कि कार्रवाई करने से रोक दिया गया, जहां पे मुकदमा दर्ज करवाने थे वो भी नहीं हो सका। क्या ऐसा कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के बड़े खौफनाक बयान हैं और उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान की फौज की वो हालत करेंगे जो अमेरिकन की हालत की है तालिबान ने, वहां पे अमेरिकी फौज की जो हालत हुई अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों, ये स्टेटमेंट भी मौलाना फजलुर रहमान ने दिया था। इसके ऊपर भी हमने देखा कोई रद्दअमल नहीं था। ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ पाक फौज के साथ किया, यानी मैं आपको इसलिए कह रहा हूं पाक फौज के वहां किसी एक जर्नैल का उन्होंने नाम नहीं लिया था, उन्होंने पूरी पाकिस्तान की फौज के ऊपर इल्जाम लगाया था और ये इल्जाम लगाए थे कि इन्होंने कभी कोई जंग ही नहीं जीती, ये भी इल्जाम लगाए थे कि ये कौम की हड्डियों पे से गोश्त उतार कर खा गए हैं, इस किस्म का नोच लिया है, यानी पाकिस्तानी कौम के सारे वसाइल भी खा लिए और पाकिस्तान को दिया भी कुछ नहीं, इस किस्म के इल्जाम पाकिस्तान की फौज के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने लगाए थे। तब कोई रद्दअमल आया था? जहां तक मुझे याद है तब भी कोई रद्दअमल नहीं आया था। फिर एक हमारे हैं जी साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब, उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में ये कहा था कि उनकी टांगे कांप रही थी और इंडिया के मामले पे कहा था, इंटरनल मामले में तो चलो मुदाखलत हो जाती है, कभी कोई गिला शिकवा भी आ जाता है आपस में,
लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप भारत वाले मामले के अंदर अपनी फौज को आप नीचा दिखाएं। ये भी किया था अयाज सादिक ने। अभी थोड़े दिन पहले हमद मीर साहब ने बयान को ट्विस्ट करके बताया, जो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा का बयान था, मैं भी वहां मौजूद था। जनरल बाजवा ने यह कभी नहीं कहा था कि हमारी लड़ने की सलाहियत नहीं है, या हमारे टैंक जो हैं वो खराब पड़े हुए हैं, या हमारे पास तेल बिल्कुल है ही नहीं। इस तरह की बातें नहीं की थी। किसी और मीटिंग में अगर की हो तो की हो, लेकिन जिस मीटिंग का वो हवाला दे रहे हैं वहां नहीं की थी। वहां जनरल बाजवा ने बातें जरूर की थी और बड़ी कमजोर बातें की थी, लेकिन ये इस तरह नहीं की थी। और जितनी की थी उतनी मैं बता चुका हूं, लेकिन वहां भी कोई एक्शन नहीं है, कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसी चीजें हमें नहीं मिली, लेकिन यहां पे मिल रही हैं। देखिए, मरियम नवाज साहबा का इल्जाम क्या था, उन्होंने एक इरफान मलिक साहब थे जर्नल, उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि वो मरियम नवाज साहबा को कत्ल करना चाहते हैं और कत्ल कर सकते हैं, उन्हें क्रश कर सकते हैं, और इस किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। नवाज शरीफ साहब ने भी यह स्टेटमेंट दिया था और नवाज शरीफ साहब ने वार्न भी किया था। इमरान खान साहब ने भी उसी तरह का एक स्टेटमेंट दे दिया और इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे मारा गया तो उस वक्त इस सीट के ऊपर जनरल इरफान मलिक साहब थे, आज इस सीट के ऊपर जो है वो जनरल फैसल नसीर साहब हैं। इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ दे दिया स्टेटमेंट, लेकिन हुआ क्या, उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ। आज जो है वो इदारे की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आ रहा है। तो इससे आप एक बात समझ लीजिए कि इमरान खान साहब के बारे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का रवैया बाकी सियासतदानों की निस्बत मुख्तलिफ है। अब इसकी वजह तलाश कर लेते हैं। दो तीन पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। नंबर एक तो यह रीजन हो सकता है कि इमरान खान के कहने से फर्क पड़ता है और बाकियों के कहने से फर्क नहीं पड़ता था। इमरान खान ओपिनियन मेकर हैं और बाकी लोग ओपिनियन नहीं बना पाते थे, या बाकी लोगों की बात के ऊपर अवाम एतबार नहीं करती थी, इमरान खान की बात पे एतबार करती है, इसलिए इमरान खान की बात को संजीदा भी लिया जाता है, उसका रद्दअमल भी दिया जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि बाकी सियासतदान काबिले कबूल हैं इदारों के लिए और इमरान खान काबिले कबूल नहीं है, इसलिए इमरान खान को रद्दअमल देना जरूरी है और बाकियों को रद्दअमल देना जरूरी नहीं है। तीसरी एक और चीज भी हो सकती है कि इदारे को लगता है कि जो बाकियों ने इल्जाम लगाए वो ठीक थे, जो इमरान खान लगा रहे हैं वो गलत हैं, तो वो अगर इल्जाम ठीक थे तो उन पर क्या एक्शन हुआ, ये भी सवाल अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। एक और चीज है कि अगर इमरान खान इन चीजों को कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए लेकर जाए, जैसा कि कहा भी गया कि जाएं जाके कानूनी कार्रवाई करें और आप शवाहिद पेश करें, तो बात यह है कि जो JIT बनी थी उसने यह साबित कर दिया था कि अटैक एक जगह से नहीं हुआ था, यह कोई मजहबी जनूनी नहीं था, उसने अकेले ने अटैक नहीं किया था इमरान खान पर, यह तीन तरफ से फायरिंग हुई थी और बाकायदा वो JIT एक मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रही थी जिस वक्त यह सारा मामला गड़बड़ कर दिया गया, बल्कि उन ऑफिसर्स को भी हटा दिया गया, उनको धमकाया भी गया, और उसके बाद जिस तरीके से उस रिकॉर्ड को गायब किया गया वो सारा कुछ आपके सामने है, मैं सारा कुछ पहले आपको बता चुका हूं। अब ये इतना सीरियस एक केस था, हम जानना ये चाहते हैं, यानी छोटे छोटे सवालात हैं बतौर इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए, कि वो कौन था जिसको पुलिस वाले ये कह रहे थे कि सर बेफिक्र हो जाए ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो जाती है, यानी किसके कहने के ऊपर पुलिस वाले जो हैं वो मुल्जिम की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। एक मरतबा मुल्जिम की वीडियो रिकॉर्ड की, मेरी अपनी परवेज अलाई से बात हुई, परवेज अलाई ने उसके ऊपर कहा कि यह बहुत गलत हुआ है, IG पंजाब और परवेज अलाई दोनों साथ साथ बैठे हुए थे, मैं उन दोनों के सामने बैठा हुआ था और मैंने कहा परवेज अलाई साहब यह केस खराब हो रहा है, ये जिस आदमी ने गोलियां चलाई है ना इसका बयान रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, यह केस को कोई और रंग देने की कोशिश हो रही है, आप वजीर अला पंजाब हैं और आप IG पंजाब हैं, यह गलत हो रहा है। उन दोनों ने मौके पर तस्लीम किया कि गलत हो रहा है और एहकामात जारी किए कि इस बंदे की कोई वीडियो मजीद रिकॉर्ड नहीं की जाएगी और जिन्होंने किया है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। ठीक आधे घंटे बाद उस बंदे की एक और वीडियो रिकॉर्ड होकर आ जाती है, IG पंजाब भी कहता है और वजीर अला पंजाब, तो कौन इतना ताकतवर था जो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था? फिर जहां पर उस बंदे को रखा गया वहां का CCTV फुटेज का रिकॉर्ड भी कोई उठाकर ले गया, कौन ले जा सकता है? पुलिस वाले कॉपरेट नहीं कर रहे थे, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिस DPO को इस्तेमाल किया गया वो DPO किसी जगह पे पेश होकर शामले तफ्तीश होने के लिए तैयार ही नहीं था कि जो करदा कर लो। अब जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर तो कोई बहुत ताकतवर आदमी होगा ना। इमरान खान साहब ने अपनी FIR दर्ज करने के लिए एक दरखास्त दी और उसमें उन्होंने नाम लिखा, और बात यह है कि अगर इमरान खान साहब की वो FIR दर्ज हो जाती तो फिर उनके ऊपर बारे सबूत आता ना। बाद में उनके वकला से पूछा जाता कि आपने ये नाम दिया है, आप बताइए कि आपको क्यों लगता है कि ये नाम शामिल है, फिर तफ्तीश होती, इंक्वायरियां होती और मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जाते, तो ये सारी चीजें किसी मंतकी अंजाम पर पहुंचती।
अब जब FIR ही नहीं हो रही तो फिर क्या किया जा सकता है। ऐसी ही कुछ ताकतवर शख्सियात का नाम शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने अपनी जो FIR वो दर्ज करवाना चाहती हैं उसके अंदर लिया हुआ है। अब उसमें उनकी भी FIR दर्ज नहीं होती, क्या अरशद शरीफ की वालदा के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि इन्होंने नाम ले लिए ऐसे लोगों के? सारी दुनिया जानती है कि किसने सहाफियों के ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग की थी, और अरशद शरीफ की वालदा की जो FIR है उसके अंदर जो वो चाह रही है कि नाम दर्ज किए जाएं, उनके पास बकायदा सबूत मौजूद है कि हमारे घर में कब कब आए, कब कब रबते हुए, और उनके पास गवाहान मौजूद हैं जिनको अरशद शरीफ ने बताया था। हम खुद गवाहान के अंदर शामिल हैं, बुलवाएं और बुलाकर पूछें, चीजें आपके सामने आ जाएगी। बहरहाल कल शहीद अरशद शरीफ का केस भी लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब अपना मुकदमा कहां दर्ज करवाएं, इंक्वायरी कौन करेगा? और अगर तो अब पाक फौज को यह लगता है कि इमरान खान साहब ज्यादती कर रहे हैं तो फिर मुकदमा जरूर इमरान खान साहब के ऊपर करना चाहिए ताकि यह मामला अदालत में आए। यह मामला अदालत में आए, इमरान खान साहब अपनी बात रखे अदालत में और जो डिफेंस के अंदर चीजें हैं वो भी सामने आ जाएं, तो पता चल जाएगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं उसमें कितने हकायक हैं और कितनी सच्चाई है उसके अंदर। इससे पहले मैंने देखा कि इदारा इतना हसास नहीं होता था जब सियासी लीडरान जो करप्ट भी हैं, जो बेईमानी भी करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा भी हुआ है, जब वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और जर्नल्स के खिलाफ बड़े खौफनाक स्टेटमेंट्स देते थे, तो उस वक्त मैंने देखा कभी भी ऐसा रद्देअमल इतना सख्त नौयत का नहीं आता था। लेकिन अब रद्देअमल आ रहा है तो इमरान खान साहब के खिलाफ आ रहा है। एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के ऊपर ऐसा लगता है कि अब मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। दूसरी मरतबा रद्देअमल आया इमरान खान साहब के खिलाफ, एक जनरल बाजवा के टाइम पे भी आया था, एक अब आ गया है। देखना यह है कि किस तरह का अटैक इमरान खान साहब को उसका सामना करना पड़ता है पुलिस की जानिब से, क्योंकि निगरान हुकूमत और बाकी सब लोगों के हवाले से ये खबरें भी चल रही हैं कि इन स्टेटमेंट्स के बाद, खासतौर पर यह स्टेटमेंट के बाद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, हुकूमत के दीगर लोग और उनके अलावा मोहसिन नकवी एंड पार्टी, ये सब एक्टिव हो गए हैं और अब ये पुलिस को और इदारों को इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान साहब कल जा रहे हैं इस्लामाबाद पेशी पर, उनके साथ वहां क्या सूरत हाल होती है ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। अगर इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा। एस्टेब्लिशमेंट को एक इलेक्शन हारना है, अब चाहे वो इमरान खान को गिरफ्तार करके हार जाए, चाहे वो इमरान खान को गिरफ्तार किए बगैर हार जाए, ये इलेक्शन तो अब हारना पड़ेगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोवर्सी से कैसे बचाना है, कंट्रोवर्सी से कैसे बाहर रखना है, और उसका सिंपल फॉर्मूला यह है कि गैर जानबदारी साबित की जाए और पाकिस्तान को इलेक्शन में जाने दिया जाए और जो सहूलतकारी है वो बंद की जाए, खासतौर पर उन लोगों की सहूलतकारी जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचा दिया है कि इनसे एक साल हो गया है ये IMF के साथ मुआहदा नहीं कर पा रहे, मिन्नतें कर रहे हैं अभी तक नहीं कर पा रहे, और IMF को अब इनको गारंटी ये देनी है कि $3.5 अरब से ज्यादा पैसा जो अगले महीने वापस करना है वो कैसे करना है, कहां से करेंगे वो पैसा वापस? सवाल तो ये पैदा होता है। बजट पेश करना है, महंगाई पाकिस्तान में 3 गुना बढ़ चुकी है, क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 3 गुना ये बढ़ा पाएंगे? क्या ऐसा कर पाएंगे कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 3 गुना बढ़ जाएं, क्योंकि महंगाई तो 3 गुना बढ़ गई है, और आम आदमी की जिंदगी आसान हो जाए, ऐसा बजट कैसे लाएंगे? ये नहीं ला पाएंगे। और इस निकम्मी हुकूमत से एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, वरना एस्टेब्लिशमेंट के लिए आने वाला वक्त ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। कराची के अंदर जिस तरह वारदात डाली गई है, ये जो हाथों से गिरें लगाई है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट को दांतों से खोलनी पड़ेंगी। कराची में जो मेरे सोर्सेज हैं, स्पेशली वो लोग जो बड़ा इन डेप्थ जाके चीजों को रिकॉर्ड करते हैं और उनके बारे में मालूमात रखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि कराची में दोबारा बारूद इकट्ठा हो रहा है। उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ लोग अंदर खाते तैयार हो रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं, प्लानिंग्स की जा रही हैं, और आने वाले वक्त में कराची के कंट्रोल की एक लड़ाई खुदा ना खास्ता होगी, और ऐसी सूरतयाल में कराची वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से 12-14 साल पहले बड़ी मुश्किल से कराची को निकाला गया था। परवेज मुशर्रफ साहब के शौक पूरे होते होते कराची में इतना असला फैल गया था कि पीपल्स पार्टी और MQM के मुसल्ला विंग
बहुत सारे इदारों से ज्यादा ताकतवर हो गए थे और पुलिस के कंट्रोल से बात बाहर चली गई थी। और इस वक्त भी सूरतयाल जो है वो उससे मिलती जुलती बनती चली जा रही है और अंदर ही अंदर चीजें हो रही हैं। जिस तरह असले की नुमाइश देखी गई बलदियाती इंतखाबात में, जैसे पीपल्स पार्टी ने जबरदस्ती कराची के अंदर सफाया फेरा है और झुरलू फेर के अपनी सीटें पूरी की हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए एक बात का तो आइडिया हो जाता है कि अपनी जिद और अपनी अना के चक्कर में एस्टेब्लिशमेंट ने कराची को जिस दलदल से बड़ी मुश्किल से निकाला था, वापस उस दलदल के अंदर फंसाना शुरू कर दिया है। उधर एक और बयान आ रहा है और इमरान खान साहब को कातिल करार दिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि शहीद अरशद शरीफ का कत्ल भी इमरान खान ने किया, हामिद मीर पर भी गोलियां इमरान खान ने चलाई। ओ भाई, हामिद मीर तो पूछ लो, और हामिद मीर साहब ने उल्टा धमकी लगा दी टेक्निकल नौइयत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और उनका यह कहना है कि इस मरतबा को वजीर आजम निकाला गया तो एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के पीछे नहीं खड़ी हुई, इसलिए अदलिया जो है उसको भी खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और दरवाजे टूटने की मिसालें भी दी और ये कहा कि बख्तरबंद से बड़ी गाड़ियां भी आ सकती हैं या कोई बड़ी चीजें भी आ सकती हैं, तो इशारा तो उनका अदलिया की तरफ था। अब मामला बड़ा सादा सादा है कि अदलिया को यह सोचना पड़ेगा और लीड करना पड़ेगा, क्योंकि आईन की लड़ाई है, अदलिया ने फैसला किया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अदलिया लीड करेगी तो पाकिस्तान पीछे चलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान लीड करे और अदलिया से उसका फैसला करवाए, नहीं, अदलिया को ही लीड करना पड़ेगा, जजेस को आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक सवाल है जो मैं जजेस के लिए छोड़कर जा रहा हूं, बड़ा सादा सा, आप भी इसके बारे में सोचिएगा कि क्या पाकिस्तान की अदलिया को इंसाफ की फराहमी के लिए हमेशा अपने पीछे अदलिया का हाथ मौजूद होना जरूरी है? यानी अदलिया के पीछे अगर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होगा तभी वो अपने फैसले पर अमल दरामद करवा पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर तो पाकिस्तान जो है वो जजेस को चाहिए घर जाएं और फैसला जो है वो किसी और को करने दें ताकि वो उस पर इंप्लीमेंट भी करवा ले। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।